हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमीशियस। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जनरली ना अथर्व को मैं मतलब पूरे वीक में एक दिन मैं कुछ ना कुछ फ्राइड देती हूँ। तो जनरली ना मैं टिक्की दिया करती थी अथर्व को, जैसे वेजिटेबल टिक्की दे दी या फिर सिंपल पोटैटो की टिक्की दे देती थी। बट इस बार ना मैंने पोहे की टिक्की ट्राई करी थी, तो बहुत ही टेस्टी बनी थी और अथर्व को भी बहुत टेस्टी लगी थी और बहुत ही हेल्दी भी है। अगर आप जनरली बच्चों को पोहा देते हैं ना स्कूल में, तो आप उसकी टिक्की भी जरूर ट्राई करें। तो मैं सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये बहुत ही हेल्दी है ये। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो आप अपने बच्चों के लिए जरूर ट्राई करिए, टिफिन के लिए भी काफी अच्छी और ऐसा ब्रेकफास्ट भी आप इसको बना सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए रेड बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। इस रेसिपी में हमको चाहिए एक कटोरी पोहा। इसको आप 20-30 मिनट्स आप सोक कर दें वाटर में और उसके बाद एक्स्ट्रा वाटर निकाल दें। उसके अलावा इसमें 4 से 5 पोटैटोज चाहिए बॉइल्ड, और आप इसके अलावा कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इन सबको आप मिक्स कर दें, पोटैटो और पोहे को। पोहे में ना बिल्कुल भी आप वाटर नहीं होना चाहिए, जितना अगर इसमें पानी होगा ना तो उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते। तो कोशिश करिए कि उसके वाटर को अच्छे से आप निकाल दें। उसके बाद इनको प्रॉपरली मिक्स करें और इस तरीके से मिक्स करें कि जो बाइंडिंग है ना ये बिल्कुल अच्छी हो जाए, बिल्कुल भी आप इसमें पानी ना रहे। वेजिटेबल्स मिक्स करने के बाद आप इसमें मसाले भी ऐड कर दें। तो यहाँ पर तो मैं सारे ही मसाले यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके बच्चों को मिर्च वगैरह इतना तीखा मतलब नहीं पसंद, तो आप यहाँ पर मिर्च को स्किप कर दें। और इसके साथ आप यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही टेस्टी बनता है। बाद आप एक स्लरी बना सकते हैं। ये कॉर्नफ्लोर और मैदे की स्लरी है और इसमें मैंने सीजनिंग ऐड करी है और थोड़े से मैंने ब्रेड क्रम्स लिए। तो इन टिक्की को पहले आप स्लरी में डिप करके अच्छे से, उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स से अच्छे से आप कोट कर दें। और इसके बाद आप इसको या तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं या तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं।